एडस्टेरा से तो काफ़ी लोगों ने अच्छी अर्निंग की है, अब बारी है उससे नेक्स्ट फॉरवर्ड करने की, नेक्स्ट मूव करने की। अच्छा, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं कमाया लेकिन उन्होंने काम किया था, किसी के इंप्रेशन नहीं आए, किसी का CPM नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं, तो आप एक बात मेरी याद रखें, आप ये ना समझें कि आप नाकाम हुए हैं या आपका टाइम ज़ाया हुआ है, बल्कि आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है। ठीक है, कैसे किया कि हो सकता है पहले आपको वेबसाइट बनानी ना आती हो, पहले आपको पता ही ना हो कि किस तरह से किसी ट्रैक के ऊपर चलना है, किस तरह से डाउनलोड की शक्ल देखते हैं, यानी आप एक ट्रैक पे चले हैं, आगे नेक्स्ट आप लोगों ने खुद काम करते जाना है। आप लोगों ने हमेशा अपनी नीड और वांट के मुताबिक काम करना है, यानी पहले आप लोगों को सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की थी कि आपको ट्रैक पर चलने की ज़रूरत थी। आप लोगों को मैंने सिखाया कि ब्लॉग के साथ कैसे आप लोगों ने एडसेरा सेटअप करके वहाँ से अर्निंग करनी, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अब उसके बाद आपकी ज़रूरत बढ़ गई। आप लोगों को क्या ज़रूरत थी कि आप लोगों को व्यूज़ लेने हैं, डॉलर लेने हैं, कुछ लोगों के व्यूज़ आए, कुछ लोगों के ना आए, कुछ लोगों ने डॉलर बनाए, कुछ लोगों ने ना बनाए, तो आप लोग एक ट्रैक पर चल पड़े। अब बात क्या होती है कि सिर्फ इंटरनेट के ऊपर आप लोगों को एक बार चलना मुश्किल होता है, जब आप चल पड़े ना तो नए नए रास्ते आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो बात यह है कि आप लोग एडसेरा के ऊपर कुछ लोग रुके रहे, कुछ लोग नेक्स्ट एडसेंस की तरफ चले गए, कुछ लोगों को मैंने हिल टॉप ऐड का बताया उस तरफ चले गए, कुछ लोगों को मैंने holly.io का बताया उस तरफ चले गए, तो मुख्तलिफ लोग ना आगे मूव ऑन करते गए, तो जो रुके रहे हैं भाई वो नाकाम हुए हैं, जो चलते रहे हैं वो आगे सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक और सेटअप बताऊंगा, ये भी एडसेरा का अल्टरनेटिव है, ठीक है, तो आप इस पर भी काम कर सकते हैं। और याद रखें कि कभी किसी चीज़ के ऊपर रुके ना रहे, नेक्स्ट अपनी रिसर्च करते रहे, क्योंकि रिसर्च और प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके चलती है। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में जो मेथड बता दिया आपने वही इंप्लीमेंट करते जाना है, वही करते जाना है, यार ऐसा नहीं होता। आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखनी होती है, वक्त के साथ आपको अपने आप को अपडेट करना होता है, टाइम टू टाइम नई नई चीज़ें सीख के आपने इंप्लीमेंट करनी होती है। तो आए स्टार्ट करें, हमने काम करना है मोरी टैग के ऊपर। ये वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने, ये एडस्टेरा की तरह ही है, लेकिन ये एडस्टेरा से ज़्यादा CPM भी देता है और एडस्टेरा से ज़्यादा अर्निंग भी देता है, इसका CPM जो है काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, आप लोगों ने, आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ये मोरी टैग वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को ये साइन अप का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर जो हमें वेबसाइट की ज़रूरत भी नहीं होती, अगर आपके पास वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोगों ने बना लेनी है, वहाँ पर मैंने बताया हाउ टू मेक अ ब्लॉग फ्री, अपना सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों के लिए ये ऑफर है कि यहाँ पर आप बगैर वेबसाइट के भी अर्निंग करेंगे। आप लोग पहले साइन अप करेंगे, पर आप लोगों ने साइन अप एज ए पब्लिशर करना है, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, कंपनी का और इंडिविजुअल का। आपने इंडिविजुअल के ऊपर ही चेक फिल रहने देना है कि यहाँ पर आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पर अपना फादर नेम या लास्ट नेम जो भी आपका है, आपने यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी सिटी लिखनी है, जो भी सिटी होगी। नीचे आप लोगों ने यहाँ पर अपना स्ट्रीट एड्रेस यानी पोस्ट ऑफिस एड्रेस होता है, अपना विलेज सिटी जो भी है वो लगा देना है। यहाँ पर ईमेल अपना, यहाँ पर आप लोगों ने फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है, मोबाइल नंबर जो होता है। यहाँ पर आप लोगों ने व्हाट्सअप सेलेक्ट करना है, व्हाट्सअप, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना नेम लिख देना है, यूज़र नेम जिसको कहते हैं व्हाट्सअप। यहाँ पर उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप लोग, इस तरह का एक पेज शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको बोलेगा क्रिएट पासवर्ड टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप लोगों ने 8 डिजिट का पासवर्ड ऊपर और नीचे सेम लगा के फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश करेंगे उसके बाद ये आपको बोलेगा कि आपके जीमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड गया है, ठीक है। आप लोगों को इस तरह से ये बताएगा कि प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है। आप लोगों ने अपने जीमेल बॉक्स में जाना है, वहाँ पर जाके ये वेरीफाई अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद इस तरह से हमारे सामने ये मोनो टैग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये एड नेटवर्क हमारे सामने ओपन हो गया। अब यहीं पे सारा काम करना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवा सकते हैं हम, जैसे कि एडस्टेरा में करवाते थे। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी करवा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हम यहाँ पर दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक, स्मार्ट लिंक इसको बोलते हैं, यानी वो ले सकते हैं जिस तरह से हम एडस्टेरा के अंदर लेते थे। अब इसका CPM भी ज़्यादा आएगा और इसके लिए मैं आपको एक आइडिया भी दूंगा कि इसका गेट लिंक जो है डायरेक्ट लिंक वो कैसे वर्क करेगा, कैसे आपको ज़्यादा CPM मिलेगा। आप लोगों को पता ही है, मैंने काफ़ी मतलब आपको समझाया है, जितने भी मेथड मैंने एडस्टेरा के साथ आपको बताए हैं डायरेक्ट लिंक वाले, वो आप सारे के सारे इसी के साथ कर सकते हैं। यानी आपका डायरेक्ट लिंक आपने यहाँ पर लिया है, आप उसको ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ ट्विटर के ऊपर शेयर कर सकते हैं, ये आपको अच्छा खासा CPM देगा। उसको फेसबुक रील्स के साथ, फेसबुक पेज के साथ या लैंडिंग पेज गूगल न्यूज़ के साथ बना के आप लोग कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। ये सारे मेथड जितने मैंने बताए हैं ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट में मेरे मौजूद हैं, सिर्फ आप लोगों ने एडस्टेरा की जगह मोनो टैग के एडलिंग यूज़ करने हैं, बाकी मेथड सेम सारे आपने यूज़ करने हैं। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर एक ज़बरदस्त मेथड बताऊंगा नया जो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपकी वेबसाइट है तो ऐड न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना, ये वेबसाइट वालों के लिए। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL दे देना है, ठीक है। URL दे के जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको सामने ये तीन ऑप्शन देगा यहाँ पर, ठीक है, तीन ऑप्शन देगा। तो आपने यहाँ पर इसका कॉपी जो है कोड कर लेना है और अपने ब्लॉगर जो आपका वेबसाइट होगी उसके हेड में जाकर पेस्ट कर देना है, ये मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी। अगर वेबसाइट नहीं है तो टेंशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने यहाँ से गेट लिंक करना है। गेट लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप जो है ना वो आप नेम दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ लिंक 1,
ठीक है, तो आप लोगों ने गेट टैग के ऊपर क्लिक कर देना है। विद इन सेकेंड ये देखें डायरेक्ट लिंक है सक्सेसफुली क्रिएटेड, यहाँ से आप कॉपी कर लें अपना डायरेक्ट लिंक, ये कॉपी हो गया जो, ठीक है। अब जहाँ पर भी आप इसको शेयर करेंगे आपको ये अर्निंग देगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक देंगे इसके ऊपर, ज़्यादा शेयर इसके ऊपर लोग क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये आप मुख्तलिफ जगहों पर आप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मेथड बताए हुए हैं। तो अभी आपको जो नया बताने वाला वो भी आप देख लें, इससे पहले मैं आपको वो दिखा दूँ उसका पेमेंट का। तो मैं अगर आता हूँ पेमेंट्स के ऊपर, तो इसकी पेमेंट्स की ज़बरदस्त जो चीज़ है यहाँ पर हमें पेनियर के अंदर मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको पेपाल और पेनियर का मिलता है। पेपाल में आप मिनिमम जो है $5 दे सकते हैं, ठीक है, और पेनियर के अंदर जो है मिनिमम आप $20 से $30 जो है यहाँ से निकलवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके $30 होंगे तो ये अवेलेबल हो जाएगा, सिर्फ आप लोगों ने अपना पेनियर एड्रेस लगाना है यहाँ पे और आप लोगों ने विड्रॉ ले लेना है। लेकिन इससे पहले तो आप लोगों ने अर्निंग कर लिया ना, ठीक है। यहाँ पर आपके स्टेटिक्स वगैरह शो हो जाएंगे, सारा कुछ आपको पता ही है एडस्टेरा की तरह है। लेकिन ये सिर्फ क्या है कि एडस्टेरा थोड़ा सा CPM कम दे रहा है, तो ये CPM जो है वो अच्छा दे रहा है। अब ये काम हो गया, अब यहाँ से हमने डायरेक्ट लिंक जो है ले लिए, ये डायरेक्ट लिंक आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देखिए लिंक वन के ऊपर हमने क्लिक कर लिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो कोड है जो कॉपी करना है ऐसे, और उसके बाद आप लोगों ने आना है पिंटरेस्ट के ऊपर। बाकी सारे मेथड अपनी मर्जी से आप ट्राई कर सकते हैं, ये मैं तो नया मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पिंटरेस्ट के ऊपर आके अपने साइनअप कर लेना है सिंपली अपनी जीमेल के साथ, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएट के ऊपर आना है, क्रिएट पिन के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है। ये मेथड बहुत अच्छा है, यहाँ से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी और इंस्टेंट तो नहीं मिलेगी, हो सकता है कोई 10 दिन 15 दिन महीना लग जाए ट्रैफिक आते हैं, लेकिन जितनी मिलेगी CPM बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोग इमेजेस लगा सकते हैं, उनके टाइटल लगा सकते हैं, ठीक है। और ये पिंटरेस्ट जो है ना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गूगल पे रैंकिंग करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर सर्च किया है कि न्यू स्टाइलिश मेहंदी डिज़ाइन, तो यहाँ पर देख लें जो टॉप रिजल्ट हमें दे रहा है वो पिंटरेस्ट ही दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये पिंटरेस्ट ने अपनी इमेज लगाई, ये लोगों ने लगाई हुई है इमेजेस, ठीक है। तो जैसे ही लोग इसको विजिट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम पे ट्रैफिक कैसे आएगी हमारे लिंक तक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इमेज हम लगाते हैं, जैसे वो मेहंदी वाला ही था वही हम डाल लेते हैं। तो मेहंदी की पिक हम यहाँ पर एक अपलोड करेंगे, यहाँ से हमने ये मेहंदी का डिज़ाइन अपलोड कर दी, यहाँ पर हम टाइटल लगा देंगे, ये हमने लगा दिया हमें टाइटल, ठीक है। यहाँ पर हमने ये जो है दोबारा पेस्ट कर देना है, ठीक है, अपनी मर्जी से ये हमने दोबारा पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर आता है नीचे एड डिस्क्रिप्शन लिंक, यहाँ पर हमने अपना डायरेक्ट लिंक लगाना है जो हमारा मोनी टैग का होगा। यहाँ पर हमने मोनी टैग का लिंक जो है पेस्ट किया, लेकिन साथ हमने यहाँ पर लगाना है HTTPS, ठीक है, और कॉलम ये हमारा फिर क्लिकेबल होगा, ये अपने याद से जरा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे और यहाँ से हम देखें हमने जो सेव किया था हमारी इमेज इस तरह से अब लोगों को शो होगी, ये देखिएगा, ठीक है। ये अब यहाँ से देखिए यहाँ से कोई डाउनलोड करेगा तब भी हमारे लिंक के ऊपर क्लिक हो जाएगा, और अगर कोई जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता जाएगा तो ये देखिएगा जो हमारा मोनी टैग का डायरेक्ट लिंक था वो ओपन होगा। ये देखिए हमारा वो ऐड जो है वो चल चुका है, ठीक है। इस तरह से आपके जितने क्लिक आएंगे वो क्लिक करते जाएंगे लोग इसके ऊपर, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको प्रीमियम कंट्रीज से जो है ना मिलती जाएगी। ये अब ऐड ओपन हो गया मतलब इसका CPM जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है काम करते जाना है पिंटरेस्ट के ऊपर, जितनी भी ट्रैफिक आएगी पिंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। ये एक पेड मेथड है जो लोग अपने कोर्सेज के अंदर जो है बताते हैं लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने आपने लाजमी नहीं है कि इसी टॉपिक के ऊपर काम करना, भी देखिए ये एक पिन है, आपने डेली की 4-5 पिन बनानी है, इस तरह से लगानी है, और एक भी पिन वायरल होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लिक आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगी, ठीक है। इस तरह से आप मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर काम करेंगे, लाजमी नहीं कि इसी टॉपिक के ऊपर काम करना है, ठीक है। और इस तरह से आपके मोनी टैग के अंदर या स्टेटिक्स में आप देखते जाएंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक की अर्निंग जो है वो शो होती जाएगी। जब भी आपके $20, $30, $5 होंगे आप निकलवा सकते हैं, इससे मसला कोई नहीं है इसका, ठीक है। एक महीने में 2 से 3 बार ये पेमेंट वगैरह जो है ना देते हैं। तो आप लोगों को मैंने जो दूसरे मेथड बताए एडस्टेरा वाले, जो पीछे में बता चुका हूँ, ट्विटर का, फेसबुक का, न्यूज़ लैंडिंग पेज का, सारे मेथड यूज़ करें डायरेक्ट लिंक के साथ, ये पिंटरेस्ट वाला भी यूज़ करें और रिसर्च करते रहें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अर्निंग होती चली जाएगी, ठीक है। अगर आप वेबसाइट बना के काम करना चाहते हैं तो वेबसाइट के साथ भी कर सकते हैं, मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर देख लें कैसे अपने फ्री में बनानी है। लेकिन याद रखिएगा आपको साथ कस्टम डोमेन लगाना पड़ेगा, यानी ब्लॉगर के ऊपर आप वेबसाइट बनाते हैं ना तो उसके ऊपर डोमेन होता है जो आपकी वेबसाइट का नेम वो साथ होता है .blogspot.com, तो ये वो वाला डोमेन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आप लोगों को कस्टम डोमेन 2500-3000 का लेकर लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाते हैं यूट्यूब से वीडियो देख लेना, ठीक है, आपको मिल जाएगी। उसके साथ आप वेबसाइट बना के लगा सकते हैं प्रोफेशनल, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले फ्री में आप टैकलिंग के साथ काम करें, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट बना लें डोमेन लगा के, और आप लोग परमानेंट के साथ काम कर सकते हैं। जब तक ये अर्निंग अच्छी दे रहा है करते रहें, उसके बाद एडसेंस की तरफ मूव करें या किसी और एड नेटवर्क के साथ मूव करें, ठीक है। होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं और वेबसाइट बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। स्टे ब्लेस।